मक्खी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। घड़ी में 9:30 हो गए थे। पुलिस भी रत्नाबाई के बुलाने पर सही वक्त पर पहुंच गए थे। अरे ये विनोद कहाँ रह गया? वो रहा, आ गया। विनोद भी बिना दारू पिए नहा धोकर रत्नाबाई के घर पहुंचा। गुड मॉर्निंग रत्ना मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग। तो विनोद बताओ, पुलिस के सामने अब सच बोल दो। कौन सा सच मैडम? अरे मतलब वही जो सच तुम्हें बोलना था आज। वही तो, क्या बोलना था मुझे? दारू चढ़ा के रखे हो क्या? कल हमारे सामने जो बोल रहे थे वही सीधा सीधा पुलिस के सामने भी बोल दो। अरे मैडम कौन सी बात बोलूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए क्या बोलना है मुझे। तुम्हें ये बताना है कि अस्पताल बनाने के लिए जो कच्चा माल आया था उसकी चोरी कैसे हुई और किसने करवाया। अच्छा, कच्चा माल आया था क्या कभी, और चोरी भी हो गया मैडम? अरे रे रे, ये तो बहुत गलत हुआ। वैसे किसने किया है चोरी? अरे नालायक, वही तो तुम्हें बताना है कि तुम्हें वो सब चोरी करने किसने पैसे दिए थे। पैसे? मुझे कोई क्यों पैसा देगा मैडम, और मुझे किसी से पैसे मिलते तो मैं सीधा बंबई नहीं चला जाता हीरो बनने। मुझे कुछ नहीं पता कि अस्पताल बनाने के लिए मटेरियल कब आया था, और इतना सारा माल चोरी कैसे हो सकता है ना? क्यों दारोगा साहब, आप ही बताइए, मैं चलता हूँ अब। क्या रत्ना मैडम, एक आदमी को सही से समझा भी नहीं पाए कि पुलिस को क्या बताना है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टर के साथ आप ही बात कर लेना। अरे चलो रे सब, सुबह सुबह बुला के दिमाग खराब कर दिए। चित्रा, मैं तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमसे तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। अच्छा होगा तुम वापस वही जेल चली जाओ। मुंह संभाल के बात करो सोनाली, आज तुम जिस बंगले में खड़ी होकर मेरे ऊपर भाषण झाड़ रही हो वो मेरे बदौलत हुआ है। और मुझे क्या पता था कि तुम्हारे गांव में सबके सब तुम्हारे जैसे ठग हैं, धोखेबाज हैं। वो सब तो ठीक है, पर ये विनोद 10,000 रुपए लेकर एन वक्त पर मीरा को चोर बोलने से मुकर क्यों गया? मैं तो सोची थी कि मीरा अभी अरेस्ट होकर चली जाएगी और मैं इसी खुशी में वाइन पीऊंगी, पर मीरा तो बच गई। क्या ये लोग मुझे चोरी के केस में फंसाने वाले थे? पर क्यों मौसी, मैंने कौन सी चोरी की? और अगर वो विनोद पैसे लिया था तो मेरा नाम बोला कैसे नहीं? क्या चल रहा है ये सब? मजा आ गया। मौसी, आपको ये सब पता था? हाँ, कैसे पता नहीं रहेगा, ये डिटेक्टिव संध्या यहाँ पे सारे चोरों की असलियत का पर्दाफाश करने जो आई है। आपने क्या किया मौसी? सुन, कल जब हम दोनों बाजार गए थे और तेरी नजर उस नशेड़ी विनोद पे पड़ी, तभी मुझे याद आ गया कि रत्नाबाई और चित्रा सुबह सुबह इसी विनोद से मिलने गए थे। फिर क्या, तू सब्जी खरीदने में बिजी हो गई और मैं चली विनोद के साथ सौदा करने। आज इतने दिनों के बाद विदेशी मार के मजा आ गया। विनोद तू बताना दोस्त, पैसे कहाँ से मिले तुझे? सीक्रेट है, किसी को पता चलेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। किसी को बताना मत, हमारी सरपंच वो लालची औरत रत्नाबाई और उसकी कोई रिश्तेदार चित्रा, दोनों मुझे उनके एक प्लान में शामिल करके 10,000 रुपए दिए हैं। प्लान में? कौन सा प्लान? मुझ पे भरोसा रख भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।
अच्छा सुन, बात ये है कि मुझे कल सुबह पुलिस के सामने बस इतना बताना होगा कि मीरा दीदी हॉस्पिटल बनाने का सारा कच्चा माल चोरी करवाई है। मैं खुद सारा सामान उनके ट्रक में लोड किया था और वो ट्रक लेके शहर चली गई। तो ये बात, बेटा विनोद, तुम्हें पता है वो रत्नाबाई और चित्रा मुझे भी कुछ पैसे दिए हैं कि जब तुम मीरा का नाम पुलिस के सामने बोलोगे तब मैं तुम्हारा नाम बोलूंगी कि मैंने खुद देखा है विनोद को सारा रॉ मटेरियल रातों रात चोरी करके शहर में बेचते हुए। बताओ अब तुम कैसे बच पाओगे? ये तो रत्नाबाई का बस पुलिस को गुमराह करने का प्लान है। आप ये क्या बोल रही हैं? मैं अब क्या करूं? सच, तुम्हें बस सच बताना है बेटा। मीरा तो एक नेक औरत है, उससे झूठे केस में फंसा के तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो। ये लो, मैं तुम्हें 20,000 देती हूँ, शहर में काम धंधा भी दिलवा दूंगी, पर तुम्हें पुलिस के सामने बस सच बोलना है जो तुम जानते हो। ठीक है मैडम, आप मुझे गलत काम करने से बचा लिए, धन्यवाद। मौसी, आप नहीं होती तो आज मेरे साथ क्या होता? अब चल आगे की तैयारी करते हैं। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है। बहुत मजा आ गया आज तो। जरूरी है सब इस संध्या बुढ़ी का ही काम है। संध्या की चालाकी के वजह से रत्नाबाई और चित्रा फिर से एक बार मात खा गए। अब रत्नाबाई का दिमाग खराब होने लगा था, वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मीरा को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इसी खुशी में मैंने अपना सारा राशन गांव वालों के हाथ जाते हुए देखकर भी सीने पे पत्थर रख दी। पर अब राशन तो सारा गया, पर मीरा का कुछ ना बिगाड़ पाई मैं। रत्ना आंटी, इतना परेशान मत हो, हमारे पास ये 5 करोड़ का बंगला तो है ना, हॉस्पिटल और स्कूल के लिए जो 1 करोड़ मिले थे वो भी तो लॉकर में है, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि चलो उन पैसों को लेके यहाँ से भाग चलते हैं, किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे और वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ बात तो सही है, हम खुद यहाँ से छुप के नहीं भागेंगे तो लोग एक दिन हमें मार मार के यहाँ से भगा देंगे, पर इतने सारे पैसे लेकर निकलने से पहले हमें ये बंगला तो बेचना पड़ेगा। मैं एक बिजनेसमैन को जानती हूँ जो इस बंगले को खरीद सकता है, पर हमें बेचने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, तब तक अच्छा बनने का नाटक कर लेते हैं, फिर बंगला बेच के सारे पैसे गहने लेकर चलते बनेंगे। नहीं रत्ना आंटी, इस बार हम संध्या बुढ़ी पे भरोसा नहीं कर सकते, उसका कुछ अलग ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है, सुनो। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये बंगला तो जरूर बिक जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, अंडरस्टैंड? इसीलिए मेरे से अंग्रेजी सीख लो। मैडम, अगर हमारे पति को प्यार से रात के खाने में बुलाना है तो अंग्रेजी में कैसे बुलाएंगे? सिंपल है, बोलोगे डार्लिंग प्लीज कम फॉर डिनर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर किसी को अंग्रेजी में गाली करना है तो? वो क्या है ना, कभी कभी पड़ोसियों को गाली करने को मन करता है। लो ये तो और भी सिंपल, बोलोगे शट अप यू इडियट, यू नो नथिंग, आई नो एवरीथिंग, बाय बाय टाटा, सी यू नेवर। मीरा, तुम्हारी संध्या मौसी हमारे साथ आने वाली थी, वो कहाँ रह गई? पापा, संध्या मौसी बोल रही थी,
कि वो फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू कर रही है। चलिए देखते हैं। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।